सर ये क्या हुआ है आपके साथ, क्या चोट और कैसे आई आपको? हमारे पति साहब बाजार लगाए, दुकान सब्जी लगाते हैं, हम वहाँ पर सब्जी लेने गए, सब पास में गाड़ी लगाए खड़े थे, हमने कहा भैया जी थोड़ा साइड में लो, बोला तू कौन होती है, हम हमारे बाल पकड़ के खींच दिए और गाड़ी हटा ली, बस पहले मेरे बाल पकड़ के खींच दिया और दूर पास में ही थे सब मुसलमान सारे आ गए, इन्हें मुझे पकड़ लिया, मेरे छेड़खानी करने लगा, जो हमारे पति ने बचाया तो औजार लेके आ गए मारा, तब तक हमारे देवर आए उनको पता लगा, उनकी कॉपी बाहर डाली सब। कौन लोग थे ये लोग? मुसलमान। जानते हैं बोले? हाँ। कौन नाम मारपीट करने वाले, छेड़खानी करने वाले कौन लोग हैं? नाम बताओ, नाम है आपके? नाम हम नहीं जानते साहब, हम तो घर में से निकलते थे, दुकान में सब्जी लेने गए थे, हमने के साथ कुछ बना ले। फिर आप लोग थाने में सूचना किसने दी, थाने में कैसे गए थे? हम लोग गए थे साहब वहाँ पर गए थे। आपको यहाँ लेके कौन आया? दरोगा जी लेके आए। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 20-25 लोग, सारे सराया जितना थे मुसलमान सारे। किस मोहल्ले के रहने वाले आप? मोहल्ला घुबरान बजरिया एक दिन। सर कस्बा एक दिल का एक मामला आया है, उसमें मारपीट का मामला है, क्या जानकारी है, कितने लोग घायल हुए हैं? कस्बा एक दिल में बाजार में ही एक परिवार है जो सब्जी लगाता है, उसी के सामने उनकी दुकान सामने एक दूसरा व्यक्ति मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया था, इसी बात को लेके दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल पक्ष ज़्यादा आक्रामक था और उसके द्वारा काफ़ी मारपीट की गई है, जिसमें 4 लोगों को चोटें आई हैं जिन्हें जिला चिकित्सालय इटावा भर्ती कराया गया है, इनसे तहरीर प्राप्त हो गई है, अभियोग पंजीकृत किया गया कर लिया गया है, 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, 3-4 और लोगों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं जिन्हें पुलिस की टीम गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है।